दोस्तों बजट 2020 में इनकम टैक्स रिलेटेड क्या चेंजेस हो सकते हैं ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आप पर 5% का इनकम टैक्स लागू होता है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए है तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लागू होता है। और अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर है तो आप पर 30% का इनकम टैक्स लागू होता है। दोस्तों ये इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज होके इस प्रकार हो सकते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक है तो आप पर 5% का इनकम टैक्स लागू हो सकता है। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो आप पर 10% का इनकम टैक्स लागू हो सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा चेंज है जिसमें इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को डिवाइड कर दिया गया है 5% और 10% के बीच में। और दोस्तों अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लागू हो सकता है। और अगर आपकी सालाना इनकम 20 लाख रुपए के ऊपर है तो आप पर 30% का इनकम टैक्स लागू हो सकता है। दोस्तों ये थोड़े से चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपको अपना इनकम टैक्स बचाने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर समझिए आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में आपका जो इनकम टैक्स होता है वो होता है 54,600। तो दोस्तों अगर ये चेंज आता है जो कि सालाना 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक अगर 5% का इनकम टैक्स लागू होता है तो आपकी इनकम टैक्स हो जाती है 23,400। तो दोस्तों आपको 31,200 का इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है। इसी प्रकार अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में तो आपका इनकम टैक्स होता है 1,17,000 रुपए। और दोस्तों अगर ये चेंज आता है अगर 10 लाख रुपए तक आपका जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होता है 5% और 10% के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में तो आपका इनकम टैक्स हो जाता है 54,600। दोस्तों इस हिसाब से डिफरेंस जो आता है वो होता है 71,600। तो 71,600 का इनकम टैक्स की बचत होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होगा अगर इस चेंज को निर्मला जी अप्लाई करती हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalC भी डाउनलोड कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalC TV को ताकि आगे आने वाली वीडियोज भी आप देख सकें। धन्यवाद।